हे व्हाट्स अप गाइस, अनु जेरन, वेलकम टू DSA1 कोर्स। और आज हम लिंक्लिस्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, विच इज पैलिंड्रोम लिंक्लिस्ट। आप लोगों को एक लिंक्लिस्ट दे रखी होगी बेसिकली, और आप लोगों को बताना है कि वो लिंक्लिस्ट के अंदर जो आपके डेटा पॉइंट्स है, जो उसके अंदर डेटा एलिमेंट्स हैं, वो उनसे एक पैलिंड्रोम बना रहा है कि नहीं बना रहा। आप लोगों को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पता होगा। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको आप रिवर्स कर देते हो तो वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग के जैसी होती है, राइट? सेम फंडा यहाँ पर है। आप लोगों को एक लिंक्लिस्ट दे रखी है, आप लोगों को बताना है कि ये लिंक्लिस्ट एक पैलिंड्रोम लिंक्लिस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों के दोनों पैलिंड्रोम में आप चेक कर सकते हो। पैलिंड्रोम को चेक करने का एक और तरीका ये होता है कि आप इन दोनों एलिमेंट्स को चेक कर सकते हो, राइट? और फिर अगर दोनों बराबर हैं तो आप अंदर आते चलो, ठीक है? आर और आर बराबर है, ठीक है, अंदर आओ। ए और ए बराबर है, ठीक है, सी और सी बराबर है, ई और ई बराबर है, और यहाँ पर रुक जाओ। सिमिलरली ए और ए बराबर है, बी और बी बराबर है। या फिर एक दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इसको कर देते हैं रिवर्स। इस वाली लिंक्लिस्ट को अगर आप रिवर्स कर दोगे और उसके बाद रिवर्स लिंक्लिस्ट का चेक करोगे कि रिवर्स लिंक्लिस्ट और ओरिजिनल लिंक्लिस्ट अगर बराबर बराबर हैं तो भी वो पैलिंड्रोम होता है, राइट? सपोज करो ये लिंक्लिस्ट है, इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स। रिवर्स करूँगा तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आएगा। और हम इन दोनों को चेक कर लेंगे, क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, ये दोनों बराबर है, हाँ, ये दोनों बराबर है, हाँ, ये दोनों बराबर है, हाँ। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि हाँ, ये जो लिंक्लिस्ट है ये एक पैलिंड्रोम लिंक्लिस्ट है। लेकिन आप इस केस में एक अलग स्पेस यूज़ कर रहे हो, राइट? आप लोगों के पास ऑलरेडी एक ओरिजिनल लिंक्लिस्ट थी, आप लोगों ने एक डुप्लीकेट लिंक्लिस्ट बनाई यहाँ पर, रिवर्स लिंक्लिस्ट, और आपने एक स्पेस यूज़ किया। तो इस केस में आप एक बिग ओ ऑफ एन स्पेस यूज़ कर रहे हो, जो कि आपको अलाउड नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर बिग ऑफ एन स्पेस यूज़ करना अलाउड नहीं है, आप लोगों को इसे कॉन्स्टेंट स्पेस में यूज़ करना है, ठीक है? तो आप लोग ये भी नहीं कर सकते कि इस लिंक्लिस्ट को ऐसा करता हूँ, मैं एरे में डाल देता हूँ, उसके बाद फिर एरे के अंदर आगे और पीछे पॉइंटर चेक करते चलूंगा, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी आप एक बिग ऑफ एन स्पेस यूज़ कर रहे होगे। तो बिग ऑफ एन स्पेस आउट ऑफ पिक्चर है। आप लोगों को इस लिंक्लिस्ट को ही कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ कि इस तरीके से इसको लिंक्लिस्ट को मॉडिफाई करना है, सो दैट आप आगे और पीछे के एलिमेंट्स को चेक करते चलो और आप ऐसे करके आगे आते चलो, ठीक है? तो इसको आपको एरे में नहीं डालना है, इसी लिंक्लिस्ट को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है, सो दैट आप इन दोनों कंपेयर कर सको, फिर इन दोनों कंपेयर कर सको, फिर इन दोनों कंपेयर कर सको। लेकिन आप देख रहे हो अभी आप फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक पॉइंटर को यहाँ पहुँचा दोगे और एक पॉइंटर को यहाँ रखोगे तो आप यहाँ से तो आगे चले जाओगे, लेकिन यहाँ से आगे जा नहीं सकते आप, ठीक है? क्योंकि इसके पास इसका पॉइंटर नहीं है, सिमिलरली इसके पास इसका पॉइंटर नहीं है। तो ये चीज़ आप कैसे अचीव कर सकते हो, जरा आप ये सोचो, ठीक है? आप ये सोचो, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो बताओ। उन्होंने सोचा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को दिखा होगा कि आप लोगों के पास इस लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पर पहुँचने के बाद इस नोड पर आने का कोई भी तरीका नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसा करते हैं इस वाले पार्ट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है? कि ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, और ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मेरी आधी लिंक्लिस्ट तो ऐसी की ऐसी रहेगी और रेस्ट ऑफ दी हाफ लिंक्लिस्ट जो है वो मेरी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? तो आधी लिंक्लिस्ट ऐसी है, आधे लिंक्लिस्ट को मैंने रिवर्स कर दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये वाले लिंक्स खो जाएंगे मेरे, राइट? क्योंकि लिंक्लिस्ट मेरी रिवर्स हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इन दोनों को चेक करूँगा, अगर दोनों बराबर हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अब मेरे पास इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है और इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इन दोनों को चेक करूँगा, दोनों बराबर हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, दोनों बराबर हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और हम बोल देंगे कि अच्छा, ये पूरी की पूरी जो लिंक्लिस्ट है वो एक पैलिंड्रोम है। अगर कहीं पर भी मुझे दिखता है कि ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं वहीं पर बोल दूँगा कि ये जो लिंक्लिस्ट है वो एक पैलिंड्रोम लिंक्लिस्ट नहीं है, मैं वहीं से फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। अब जरा एक क्वेश्चन बचता है कि कैसे रिवर्स करें। तो रिवर्स करने का कोड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लास्ट वीडियो के अंदर कि आप कैसे एक लिंक्लिस्ट को रिवर्स करते हो, तो वो तो नहीं देखने वाले। प्रॉब्लम ये है कि हम इसे कैसे आधे पार्ट को कैसे रिवर्स करें, क्योंकि हमने जो कोड देखा था वो पूरी की पूरी लिंक्लिस्ट को रिवर्स कर रहा था, राइट? वो आधे लिंक्लिस्ट को रिवर्स नहीं कर रहा था, वो पूरी की पूरी लिंक्लिस्ट को रिवर्स कर रहा था। तो हम इस आधे पार्ट को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, जरा ये सोचो। तो आधे पार्ट को रिवर्स करना भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि पूरी की पूरी लिंक्लिस्ट रिवर्स होती है। आप लोगों को याद होगा रिवर्स करने का फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा होता है, रिवर्स, और ये आपका हेड ले रहा होता है, राइट? हेड ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है आपको हेड पास करना है, आप यहाँ पे कोई भी नोड पास कर दो ये उसके बाद वाली लिंक्लिस्ट को रिवर्स कर देगा। इस फंक्शन का काम है इस नोड को पकड़ना और इसके बाद जो भी लिंक्लिस्ट बनती है उस पार्ट को रिवर्स कर देना और उस पार्ट के अंदर जो आपका जो लास्ट पॉइंटर होगा वो रिटर्न कर देना, राइट? वो काम होता है इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन के अंदर आप अगर हेड पास करोगे तो ये पूरी की पूरी लिंक्लिस्ट को रिवर्स कर देगा और ये वाला पॉइंट रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप इसमें हेड पास ना करके ये वाली नोड पास कर देते हो जो कि मिडल वाली नोड है, राइट? ये मिडल वाली नोड, अगर आप इसके अंदर मिडल वाली नोड पास कर देते हो तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर आगे बढ़ता चलेगा और इस पूरे पार्ट को रिवर्स कर देगा और आपको ये वाली नोड रिटर्न कर देगा, राइट? तो यहाँ पर आप हेड ना पास करके आप पास करोगे मिड, आप इसके अंदर मिड पास करो, ये इस पूरे पार्ट को रिवर्स करके आपको ये वाला पॉइंटर ला के दे देगा, राइट? और अब आप देख रहे हो आपका आधा पार्ट तो सही है,
आधा पार्ट आपका रिवर्स हो चुका है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये बचता है कि हम इस मिड पॉइंटर को कैसे लेके आए, ठीक है, इस मिड पॉइंट को कैसे लेके आए। आप जरा ये सोचो कि हम इस मिड पॉइंट को कैसे लेके आ सकते हैं इस फंक्शन में पास करने के लिए। ये अपने आप में एक क्वेश्चन होता है कि आपको एक लिंक्ड लिस्ट दे रखी है, आपको बताना है कि इसका मिडिल पॉइंटर कौन सा है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक लिंक्ड लिस्ट के अंदर मिडिल पॉइंटर क्या होता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक अप्रोच होती है फास्ट स्लो पॉइंटर वाली, ठीक है। फास्ट स्लो पॉइंटर में क्या करते हैं, एक पॉइंटर फास्ट आगे बढ़ रहा होता है, एक पॉइंटर स्लो आगे बढ़ रहा होता है, और जैसे ही फास्ट पॉइंटर नल रीच करता है उस टाइम पर स्लो पॉइंटर आधा आ जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बंदा अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और एक बंदा अगर उससे आधी स्पीड से भाग रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो कुछ टाइम बाद 10 किलोमीटर पर आवर वाला बंदा जो होगा वो 5 किलोमीटर पर आर वाले बंदे से दुगने डिस्टेंस पर होगा, राइट। एक घंटे बाद ये बंदा 10 किलोमीटर पर होगा और ये बंदा 5 किलोमीटर पर होगा, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी करने वाले हैं, दो पॉइंटर रखेंगे, एक फास्ट पॉइंटर एक स्लो पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर जंप मार के आगे जाएगा, मतलब एक बार में दो कदम चलेगा, स्लो पॉइंटर एक बार में एक कदम चलेगा। फास्ट पॉइंटर अगर अगेन दो कदम मारेगा, स्लो पॉइंटर एक कदम मारेगा। फास्ट पॉइंटर दो कदम मारेगा, ये एक कदम मारेगा। फास्ट पॉइंटर दो कदम मारेगा, ये एक कदम मारेगा। फास्ट पॉइंटर दो कदम मारेगा, ये एक कदम मारेगा। फास्ट पॉइंटर जब नल पहुंच जाएगा, ठीक है, फास्ट पॉइंटर जब पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, पूरी पूरी लिंकेज ट्रैवल कर लेगा, उस टाइम पर जो स्लो पॉइंटर होगा वो मिडल में पहुंच जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पर रहने वाला है। इसी लॉजिक से हम फाइंड करेंगे मिडल पॉइंटर कहाँ पर है। मिडल पॉइंटर मिल जाएगा तो हम उसे इस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे, रिवर्स वाले फंक्शन के अंदर। ये क्या करेगा कि इसके बाद वाले लिंक इशू कर देगा रिवर्स, और ये वाला पॉइंटर ला के दे देगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंटर होगा, ये वाला पॉइंटर होगा। हम इन दोनों को कंपेयर करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, कंपेयर करते चलेंगे आगे बढ़ते चलेंगे, और हम चेक कर लेंगे कि ये लिंक लिस्ट एक पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है या नहीं है। तो ये इसका लॉजिक रहने वाला है। आप जरा इसे कोड करने का ट्राई करो, उसके बाद मैं भी जरा कोड करता हूँ, ठीक है। ये मिडल वाला पॉइंट कोड करता हूँ और पैलिंड्रोम वाला पॉइंट कोड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे कोड कर दिया पूरे के पूरे फंक्शन को। हमारा फंक्शन है पैलिंड्रोम, ये एक बुलियन रिटर्न करता है। इसके अंदर आप एक लिंक लिस्ट पास करते हो और ये बताता है कि ये लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है, इधर ट्रू या फॉल्स। तो अगर हेड आपका नल है तब तो हमें पता है कि अगर हेड ही नल है तो उसका मतलब एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम अंदर बढ़ेंगे, हम इसके अंदर मिडल फाइंड करने का ट्राई करेंगे। पहले जैसा हमने पहले बताया भी था कि हमारे पास सपोज करो ये लिंक लिस्ट है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम मिडल वाला एलिमेंट फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ये मिडल वाली नोड। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया मिडल नाम का, वो क्या करता है हेड लेता है और उसका काम है इस लिंक लिस्ट के अंदर से मिडल वाली नोड को फाइंड करके रिटर्न करना, ठीक है। तो उसके लिए हम दो पॉइंटर बना रहे हैं, एक स्लो पॉइंटर है एक फास्ट पॉइंटर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्लो पॉइंटर एक पॉइंटर आगे बढ़ेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर दो कदम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाला लूप तब तक चलेगा जब तक कि फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तब तक ये वाला लूप चलने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एक कदम, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। फास्ट यहाँ पर दो कदम चल रहा है, और जब तक आप ऐसा करते चलोगे, सपोज करो यहाँ पर हो आप, ठीक है, तो स्लो भी यही है और फास्ट भी यही है, ठीक है। स्लो और फास्ट दोनों के दोनों ये हैं। हम अंदर आएंगे, हम चेक करेंगे फास्ट नल है, नहीं फास्ट नल नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो हम बोलेंगे ठीक है स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, तो मतलब स्लो यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, तो स्लो आ जाएगा यहाँ पे आपका। फास्ट आपका है फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो फास्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब दोबारा से हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे क्या फास्ट नल है, नहीं फास्ट नल नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, तो स्लो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा स्लो, और फास्ट हो जाएगा आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो फास्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम अंदर आएंगे, हम चेक करेंगे फास्ट नल है, नहीं फास्ट नल नहीं है, क्या फास्ट का नेक्स्ट नल है, हाँ फास्ट का नेक्स्ट नल है, तो फास्ट का नेक्स्ट नल है, तो ये वाला लूप आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, और आप रिटर्न कर दोगे स्लो। तो स्लो आप देख रहे हो अपने आप ही मिडल पॉइंटर पर आ चुका है, जब आपका फास्ट एंड में जा चुका है तो आपका स्लो जो है वो मिडल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा इस वाले पॉइंट को, ठीक है, मिडल पॉइंट को। उसके बाद हमें लास्ट वाला पॉइंटर बताना है, लास्ट वाला पॉइंटर बताने के लिए मैंने रिवर्स वाला फंक्शन कॉल कर दिया है। ये रिवर्स वाला फंक्शन आपको अगर नहीं पता कैसे काम करता, तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखो इस प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर मैंने बता रखा है कि कैसे आप एक रिवर्स ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट फाइंड करते हो, ठीक है। तो रिवर्स करेंगे ये, और ये आपको जो लास्ट पॉइंटर होगा वो रिटर्न कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो हमने ये वाला इसके अंदर पास किया है मिड डॉट नेक्स्ट, मैंने मिड एलिमेंट पास नहीं किया इसके अंदर, मिड डॉट नेक्स्ट पास किया मैंने, और वो क्यों पास किया वो भी आपको पता चलेगा। तो मैंने सी ना पास करके ये बी वाले नोड का पॉइंटर इसमें पास किया, और उसने क्या किया इस पूरे पार्ट को, अगर इसके अंदर लंबी सी लिंक लिस्ट होती तो उस पूरे को रिवर्स करके इसने क्या किया ए, मतलब ये वाला पॉइंटर, उसके बाद इसका ये नेक्स्ट ये है, और इसका जो नेक्स्ट है वो नल नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। बी का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, और हमें ये वाला जो पॉइंटर है ये है लास्ट, ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट हमें रिटर्न हो चुका है, वो लास्ट है और ये हेड है, ठीक है, ये हेड है और ये आपका रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये लिंक लिस्ट आपकी रिवर्स हो चुका है, ये आधा पार्ट आपका रिवर्स हो चुका है। तब हमें कुछ नहीं करना, करंट इक्वल टू हेड, ठीक है, करंट ये है, और एक एक करके करते चलेंगे।
वाइल लास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम चेक करते चलेंगे कि ये दोनों एलिमेंट अगर बराबर नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, एल्स दिस इक्वल टू दिस डॉट नेक्स्ट और दिस इक्वल टू दिस डॉट नेक्स्ट। सेम चीज मैंने यहाँ पर करी हुई, आप चेक कर सकते हो, वाइल लास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, जब तक कि लास्ट नल नहीं हो जाता तब तक हम चलेंगे और हम चेक करेंगे क्या लास्ट का डेटा करंट के डेटा के बराबर नहीं है। अगर कभी भी आपको लगता है कि ये दोनों बराबर नहीं है तो वहीं के वहीं रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि ये एक पैलिंड्रोम नहीं बना रहे हैं। अदरवाइज करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर तो ए और ए बराबर हैं तो हम करंट को आगे बढ़ा देंगे, करंट अब यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करंट, और लास्ट इक्वल्स टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, तो लास्ट भी हमारा लास्ट का नेक्स्ट है ये, तो लास्ट अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम दोबारा से चेक करेंगे क्या लास्ट नल के बराबर है, तो लास्ट नल के बराबर नहीं है। क्या लास्ट का डेटा करंट के डेटा के बराबर नहीं है, नहीं, दोनों बराबर हैं, ठीक है, बी और बी बराबर हैं, तो हम लास्ट इक्वल्स टू लास्ट डॉट नेक्स्ट और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो करंट भी एक आगे बढ़ जाएगा जो कि करंट आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट इक्वल्स टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, तो लास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल है, तो लास्ट अब आ जाएगा यहाँ पर, लास्ट अब नल को पॉइंट कर रहा है, तो क्योंकि अब लास्ट नल को पॉइंट कर रहा है तो हम हमारा यही लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो आपको समझ में आ रहा हो क्यों मैंने यहाँ पर ये पास नहीं किया, हमने क्यों इसका नेक्स्ट पास किया है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके लिए भी वाला कोड चल रहा है, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते तो भी आपका ये कोड चलता, अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते सपोज करो बी ए के बाद यहाँ पर कुछ और होता, सपोज करो एक्स होता, तब आपका मिड ये होता और मिड का नेक्स्ट हम यहाँ पे पास करते तो ये तीन वाला पार्ट आपका रिवर्स होता और उस केस में भी आपका एक कोड चलता क्योंकि इसका नेक्स्ट जो है वो नल होता और यहाँ पर हमारा लूप ब्रेक हो जाता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक ऑड नंबर्स है तब भी आपका कोड ये ठीक से चल रहा है क्योंकि हमने चेक करा वाइल लास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, और करंट हमारा ये है, और अगर आपके ऑड नंबर होते हैं तो ये वाला एलिमेंट सिर्फ एक ही बार मिलता है आपको, राइट, ये वाला एलिमेंट सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट होता है तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो सी तो सिर्फ एक ही बार होगा ना अगर ऑड एलिमेंट्स हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ए को ए के साथ चेक कर लिया, बी को बी के साथ चेक कर लिया, सी को सी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सी वाला एलिमेंट ही आपका मिडल एलिमेंट है, तो इस तरीके से ऑड काम करेगा, इस तरीके से इवन काम करेगा, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पैलिंड्रोम लिंक्ड लिस्ट काम करेगा। तो आप लोगों को आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे, अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, मैं बोलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर हम लिंक्ड लिस्ट के कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।